मैं घूमता रहा मोहब्बत की तलाश में और एक अजीब से मोड़ पर मुझे मोहब्बत भी बड़े अदब के साथ हुई। अपनी आंखों से जब तूने मुझे पहली दफ़ा देखा था, मुझे अपना अरमान सा पूरा होता दिखा था। देख जान, तू माने या ना माने, तेरा मेरा मिलना कहीं पहले ही लिखा था। वैसे कुछ भी कहो, मैं ये तो कहूँगा कि वो मुझसे प्यार बहुत करती है। अब ये भी बताऊं कैसे, वो पगली मेरी माँ से भी माँ कह के बात करती है। अब शुक्रिया। अब बात हंसी मजाक की हुई थी तो एक शेर है। बड़े दर्द झेले हैं उसने मेरे साथ आने के लिए, बड़ी तकलीफ हुई है उसे मेरे साथ बाहर जाने के लिए। नहीं नहीं, बात दर्द की नहीं है, पर वक्त बहुत लगता है इतना मेकअप लगाने के लिए। शुक्रिया। के एक शेर और है कि मैं हारा नहीं हूँ किसी से, ये तो मेरा वक्त थोड़ा ख़राब है। और मुझसे जलने वाले थोड़ा बच के रहें, कि मुझसे जलने वाले थोड़ा बच के रहें, आजकल मेरी तबीयत ठीक और दिमाग ख़राब है। और जितने लोगों का मुंह खुलता है मेरे लिए, मैं बंद तो कर दूं किसी बात के बिना, पर ज़िंदगी जीने का मज़ा नहीं है यार, दुश्मन के सीने में लगी आग के बिना। के और आजकल कहते हैं लोग कि मैं हंसता बड़ा शानदार हूं, आजकल कहते हैं लोग कि मैं हंसता बड़ा शानदार हूं, अब क्या करूं मेरे दोस्त, जिंदगी के रंगमंच में मैं किरदार बड़ा जानदार हूं। मैं तेरी हंसी के लिए हर हद पार करता चला गया, जितने मुझको दर्द थे मैं अपने अंदर रखता चला गया, जितनी सारी तकलीफें थी मैं उन सबको छुपाता चला गया, तूने कहाँ से देख लिया वो सब जाने, तूने सीने से लगाया और मैं रोता चला गया। तू जब मुझसे दूर होता है तो ऐसा कुछ नहीं जो मुझे नहीं मिलता, तू जब मुझसे दूर होता है तो ऐसा कुछ नहीं जो मुझे नहीं मिलता, अरे मिल जाती हैं 56 मिठाइयाँ मुझे खाने को, पर तेरे हाथ के निवाले का वो स्वाद नहीं मिलता। और कहते हैं लोग मुझसे कि तुम पूजा पाठ नहीं करते, कि कहते हैं लोग मुझसे कि तुम पूजा पाठ नहीं करते, मैं भी दे देता हूँ एक प्यारा सा जवाब कि इतने स्वार्थी नहीं हैं हम अपनी ज़रूरतों के लिए भगवान को परेशान नहीं करते। और गीता कुरान बाइबल मानता हूँ सब नहीं पढ़ा मैंने, पर कौन सा ग्रंथ ये कहता है कि पूजा पाठ ना करने वाले अपने दिल से दुआ अदा नहीं करते। नमाज में सर मेरा भी झुकता है, पूजा में हाथ मैं भी जोड़ता हूँ, बस तुम्हारा भगवान होगा मंदिर मस्जिद में, मैं सुबह उठ के अपने माँ बाप की हस्ती शक्ल देखता हूँ। और एक शेर है कि कहने लगे लोग मुझे कि बातें बड़ी मज़ेदार करते हो, बाकी सब तो ठीक है पर बहस बड़ी दमदार करते हो, और आजकल बहक गई हैं ये बातें तुम्हारी, या तो मोहब्बत में हो या नशा जोरदार करते हो। मैंने भी दे दिया जवाब कि जिंदगी में मौज है इसीलिए बातें मज़ेदार करता हूँ, बहस के लिए दम है इसीलिए बातें दमदार करता हूँ, और बहकी हुई बातों की वजह जाननी है जाके देख उसकी आंखों में एक बार, समझ जाएगा कि मैं मोहब्बत का ही नशा करता हूँ। कहते हैं एक आखिरी शेर मेरे कुछ हेटर्स टाइप लोग हैं उनके लिए कि मेरी ज़िंदगी अभी तक थोड़ी मुश्किल थी, मुझे पहले बहुत लोगों ने रुलाया है, मुझे पहले बहुत लोगों ने रुलाया है, और एक दो को तो मैं तभी मार देता, वो ज़िंदा हैं क्योंकि उनकी माँ ने मुझे गोद में अपना बेटा कह के सुलाया है। थैंक यू सो मच।